हेलो फैमिलीज, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मैं इंजीनियर अर्पित सेठिया आज आपके लिए लेके आया हूँ 20x40 में एक लग्जरियस हाउस टूर, जो कि आज इसको इस हाउस को हम टूर करेंगे। प्लानिंग होने वाली है हमारी ईस्ट फेसिंग। ये प्लॉट हमारा होने वाला है हमारे इंदौर शहर में। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। एक लग्जरियस हाउस टूर आज आपके लिए लेके आया हूँ। इस तरह के लग्जरियस हाउस टूर देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फॉलो जरूर कीजिए, और अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव साथ में मेरे वीडियो से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको नए नए आइडियाज रेगुलरली उनको मेरे वीडियो के थ्रू रेगुलर मिलते रहे। तो आइए हम चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलिवेशन की ओर से। तो आपको यहाँ पर डबल हाइट कॉन्सेप्ट यहाँ पर एलिवेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको फ्रंट में रॉयल लुक में आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा। ऐसे एलिवेशन अभी तक की वीडियोस में आपने अभी तक नहीं देखे होंगे मेरे वीडियोस में। आसपास की लोकेलिटी वगैरह देख सकते हैं। बहुत से व्यूवर्स बोलते हैं कि आप आसपास की वीडियो दिखाया करें, तो ये आसपास का मैंने आपको लोकेशन दिखाया है, जिसमें हमने कार पार्किंग वगैरह सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। शानदार सा एलिवेशन है, शानदार सी प्लानिंग है। तो आइए हम चलेंगे अंदर की ओर, किस तरह से हमने इसमें आगे प्लान करा पाया। जैसे मैं अंदर आ चुका हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टू व्हीलर सिंपल सी पार्किंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बाहर की तरफ यहाँ पर अच्छी खासी पार्किंग है। आप यहाँ पर फोर व्हीलर प्लान कर सकते हैं। और ये आपका अंदर से बाहर का व्यू था जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर आपको यहाँ पर टाइल्स वगैरह सब लगी हुई देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम ऊपर चलेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा आपको ड्राइंग हॉल, लिविंग हॉल और आपका किचन। तो ये सब एरिया जो हमारा यहाँ पर कॉमन ओपन रहेगा, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये एंटर रहेगा, जहाँ से मैं एंट्री करा है यहाँ से मैंने। ये आपको ड्राइंग हॉल रहेगा, सिंपल सा हमने टू सीटिंग एरिया यहाँ पर प्रोवाइड करा हुआ है। और साथ साथ में बात करें तो आपको यहाँ पर ड्राइंग हॉल में यहाँ पर आपको एक मिरर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा जो प्लानिंग है, कुछ नई प्लानिंग आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको बाहर से सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी। अभी तक जितने आपने प्लान देखे उसमें सीढ़ियाँ आपको सब अंदर से देखने को मिली होगी। तो ये जो प्लानिंग है आपकी, ये इसके अंदर सीढ़ी आपकी बाहर से रहेगी। ये आपका डोर वगैरह है जो हमने सेंसर डोर यहाँ पर दे रखा है, विनर फिनिशिंग में यहाँ पर आपको डोर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आगे पीछे से किस तरह से इसको हमने प्लान करा हुआ है, और शानदार सा एक प्यारा प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा। पूरी प्रॉपर्टी होने वाली है हमारी, जैसे बताया था मैंने, इंदौर शहर में। बजट आ रहा है इसका 1,85,00,000 रुपये आज की तारीख में। और ये आपका किचन का लुक हो जाएगा, जिसको हमने ओपन किचन दिया है, जहाँ पर हमने इसमें आपको एवरीथिंग यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर, सब चीज़ें आपको यहाँ पर साथ में देखने को मिलेगी। ये ड्राइंग हॉल से आपका लिविंग हॉल का एरिया जिसको बोल सकते हैं, या डाइनिंग हॉल का एरिया बोल सकते हैं। तो ये आप देखने को मिल जाएगा डाइनिंग हॉल का एरिया, जो आपको कबर्ड्स वगैरह, कैबिनेट्स वगैरह सब एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। जब आप साइट पर आएंगे आप विजिट कर सकते हैं। तो सब लग्जरियस चीज़ है यहाँ पर, तो इंटीरियर भी यहाँ पर लग्जरियस होने वाला है। हर एक चीज़ यहाँ पर यूनिक देखने को मिल जाएगी आपको। अभी तक के वीडियोस से हट के कुछ नया वीडियो वापस लेके आया हूँ, तो मेरे चैनल पे आपको हमेशा नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें आपको नए नए तरीके आपको अपने घरों में बनाने के लिए देखने को मिल सकते हैं। यह हमारा पार्ट था डाइनिंग एरिया का। यह हमारा डाइनिंग का स्टोर रहेगा, जिसमें आप अपना माइक्रोवेन वगैरह यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा पीछे बैक साइड में OTS रहेगा, तो जिसको बोल सकते हैं OTS में सबसे बड़ी सुविधा ये हो जाती है कि आपको वेंटिलेशन की समस्या पूरे घर में नहीं आती है। जैसे हमने यहाँ पर वॉशिंग मशीन, आपको TV यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एयर फ्रायर देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर चिमनी देखने को मिल जाएगी, स्टोव हमारा लग्जरी स्टोव देखने को मिल जाएगा, सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको कलर देखने को मिल जाएगा, कलर में टेंडम्स देखने को मिल जाएंगे आपको। हर चीज़ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई है। हर एक चीज़ यहाँ पर, यहाँ जैसे मैंने बताया आपको स्टोव वगैरह देखने को मिल जाएगा, सब चीज़ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई है, और हर एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपर वेल डिफाइंड की गई है। छोटी छोटी जगह को कैसे यूटिलाइज़ करें, यही मैं हम लोग वीडियो में बनाते हैं और यही चीज़ हम आपके लिए दिखाते हैं। तो यही उसमें से एक ऑप्शन है कि आप छोटी जगह में आप अपने किस तरह से प्रॉपर दिखा सकते हैं अपने घर को। तो ये एरिया था हमारा डाइनिंग का, और डाइनिंग से हम बाहर की तरफ जाएंगे वापस से, तो आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एक यूरिन बोल सकते हैं कि एक हमारा जो वेट एरिया, ड्राई एरिया रहेगा, इसके अंदर आपका बेसिन लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पर टू वे ओपनिंग दे रखी है डोर की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेन कॉमन स्पेस से भी, और इसको यूज़ कर सकते हैं आप अपने बेड से भी। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा आपको, जैसे मैंने आपको गीजर वगैरह सब बताया है। अभी हम चलेंगे ड्राइंग हॉल में, हमारे ड्राइंग हॉल से निकल के हम चलेंगे हमारे बेडरूम में, जो हमारा पहला बेडरूम आने वाला है इस पूरी प्लानिंग का। इसमें आपको एक PRC TV यूनिट लगी हुई देखने को मिल जाएगी, जहाँ से मैं एंटर करा वो सामने वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको TV का बेड वगैरह सब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वेल डिफाइंड, यहाँ पर आपको फर्नीचर के साथ में पूरा घर देखने को मिल जाएगा। आप एनी टाइम इसको बुक कीजिए, और विद इन 15 डेज आप इसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं, फाइनल बुकिंग आप एनी टाइम ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टी अपने घर में, अपने एरिया में, अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टी बनवाना हो, और इस तरह के अगर आपको नक्शे बनवाने हो, इस तरह के इंटीरियर करवाना हो, तो दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते।
अब हम चलेंगे यहाँ से आगे की ओर, जो कि रहेगा हमारा प्लानिंग हमारे अपर साइड का, जिसमें आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे बेडरूम से, ये हमारा ड्राइंग हॉल लिविंग एरिया हो जाएगा वापस, जैसे मैंने बताया है। वापस आप टूर कीजिए इसको आराम से, और वीडियो रोक के आराम से देखिए इसको किस तरह से इसको हमने प्लान करा है। साथ साथ में हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ भी हमने नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ में लेके आए हैं आपको, नए डिज़ाइन के साथ में। अभी तक हम आपको जितनी भी सीढ़ियाँ देते हैं, जो सीढ़ियाँ रहती है हमारी, इसमें आपको डिफरेंट ग्लास देखने को मिलता है, पर यहाँ पर आपको रेलिंग एक नए प्रकार में देखने को मिल जाएगी। ये हमारा व्यू था हमारे जो फ्रंट साइड का था, उसका हमारा जो वेंटिलेशन है विंडो का देखने को मिल जाएगा। सीढ़ियाँ जहाँ से मैं भी ऊपर आया हूँ वो हिस्सा रहेगा ये, और ये वापस हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट फ्लोर पर ड्राइंग एरिया देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग यहाँ पर आपको दो बेडरूम देखने को मिलेंगे, दोनों हमारे मास्टर बेडरूम होने वाले हैं। तो ये भी एक प्लानिंग हमारी यूनिक प्लानिंग, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अगर आपका घर आपको रेंट पे देना हो तो उस पर्पज़ से भी आप इसको प्लान कर सकते हैं, या अगर आपकी कुछ बड़ी फैमिली हो तो उस पर्पज़ से भी आप इसको इस मकान को परचेस कर सकते हैं, या इस तरह की प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से स्टेयर से आपको किस तरह से लोकेशन लोक दिख रहा है आपका घर का। इसके बाद हम चलेंगे अंदर की ओर, हमारे जो मैंने आपको ड्राइंग हॉल दिखाया था, यहाँ पर लेदर फिनिशिंग के साथ में आपको शानदार सा आप जिसको बोल सकते हो कुशन वगैरह के साथ में आपको सोफ़ा का देखने को मिल जाएगा। टॉप पे फॉल सीलिंग करी हुई है, एल शेप पे सोफ़ा देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेंटर टेबल लगी हुई देखने को मिल जाएगी, टीवी पैनल भी साथ में टीवी भी लगी देखने को मिलेगी, नॉर्मल जो हम आपको घरों में नहीं देते टीवी भी, वो टीवी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंक्लूड बात करें यहाँ पर फिनिशिंग की, तो दो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में बात करें हम लोग आगे की, तो यहाँ पर आपको एक अटैच जो लेट बाथ रहेगा ड्राइंग हॉल के साथ में देखने को मिल जाएगा। जो साइज़ हमारा लेट बाथ का नीचे आ रहा था वही साइज़ यहाँ पर कॉमन लेट बाथ हमने यहाँ पर दे रखा है, और सिंपल से यहाँ का वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पर डक्ट हमने यहाँ पर दे रखा है। ये ड्राइंग हॉल का लुक रहेगा जहाँ से मैंने एंटर करा, और यहाँ से हम चलेंगे आगे की ओर हमारे नेक्स्ट रूम में, जो कि आ जाएगा हमारा बैक साइड वाला रूम, जिसको हम अभी आगे तरफ देखेंगे। तो ये हिस्सा था हमारे ड्राइंग हॉल का, जैसे मैंने बताया टॉप पे फॉल सीलिंग, हर चीज़ पूरे वीडियो में आपको नई देखने को मिलेगी। अभी तक जितने वीडियो उससे कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अब हम आ चुके हैं पीछे वाले बेडरूम में, देखिए शानदार सा बेडरूम है हमारा, एक जो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए एक बेड की, हमारा एक सिंपल सा बेड लगा रखा है यहाँ पर, डबल बेड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर वॉलपेपर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, टॉप पे एसी पॉइंट एसी के साथ में लगा हुआ मिल जाएगा, साथ साथ में कॉर्नर पे वो जो है आपका ड्रेसिंग एरिया रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। इंक्लूडिंग बात करें हमारे वार्डरोब्स वगैरह की, तो आपको वार्डरोब वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं हर एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपर प्लान है, सिस्टमेटिक। बहुत सी बार क्या होता है, आप हम कमेंट करते हैं कि आप आपको हमको इंटीरियर के बारे में नहीं बताते, तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंटीरियर देखिए किस तरह से क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम लोग, हर एक बारीकी को आप यहाँ पर समझिए, और अपने जो घर का इंटीरियर भी आप इस तरह से बना सकते हैं आप ये देख सकते हैं। तो इसमें हम आगे की तरफ चलेंगे हमारे फर्स्ट वाले बेडरूम में, किस तरह से हमने प्लान करा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट वाला बेडरूम है, जिसमें आपको जो प्लानिंग जो साइज़ आ रहा था हमारा नीचे वाले साइड में, वही एज इट इज़ साइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ साथ बात करें हमारे यहाँ पर इसके इंटीरियर वर्क की, तो ये भी नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसको इस वाले लुक से हमारा बेड का किस तरह से दिखेगा, तो ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर मैनेज की गई है। छोटी सी जगह में हमने पूरा बोल सकते हैं 5 स्टार का फीलिंग देने की कोशिश करी पूरे घर में। अब हर एक तरीके से यहाँ पर इसकी एवरीथिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई है, चाहे वो वार्डरोब्स हो, चाहे वो बेड्स वगैरह हो, चाहे कुशन्स वगैरह हो, हर एक चीज़ यहाँ पर मैनेज की गई है। अब सरप्राइज़ आपको देखने को मिलेगा जो आ रहा है हमारा टॉप फ्लोर पर। तो ये सरप्राइज़ था हमारा टॉप फ्लोर को, हमने यहाँ पर प्लान करा है पूरी तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बार एरिया भी देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में बात करें तो बार सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी आपको। और एक और बड़ा सरप्राइज़ आने वाला वीडियो में, कंटिन्यू बने रहिए, आपको एक आपको शानदार सा सरप्राइज़ देखने को मिलेगा, जो कि आएगा आपके इस तरफ जो आएगा बैक साइड में, वो है हमारा एक प्यारा सा एक सुंदर सा अब होम थिएटर, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होम थिएटर, जिसको हमने 5 सीटिंग में प्लान करा हुआ है। लग्जरियस पूरा हमारा हाउस होने वाला है, जैसे मैंने बताया था इसमें एसी, इसमें प्रोजेक्टर वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी चेयर्स वगैरह सब लगी हुई यहाँ पर ऑन साइट, आप एनी टाइम आके चेक कर सकते हैं जब तक ये हाउस सोल्ड नहीं हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर अटैच रहेगी आपकी लेट बाथ वगैरह भी, तो आप अपने फैमिली को टाइम दीजिए, नेटफ्लिक्स का पैसा बचाइए, और यहाँ पर आके अपने फैमिली के साथ में रूफ टॉप पर यहाँ पर डिनर कीजिए। हर एक चीज़ की यहाँ पर सुविधा की गई है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो तो दोस्तों दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह के बंगले अगर आपको बनवाने हों, इस तरह के आपको इंटीरियर अगर करवाने हों, तो इसके लिए भी आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, चाहे परचेस करना हो, चाहे प्रॉपर्टी आपको बनवानी हो।